हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और अनुपम फूड चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं आज ब्रेड का रसमलाई बनाने वाली हूं, उसमें भी मावा का स्टफिंग रहेगा, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए बनाती हूं। तो उसके लिए 8 से 10 पीस ब्रेड ले ली हूँ। आप जिस क्वान्टिटी में बनाना चाहती हैं उस हिसाब से आप ब्रेड ले सकती हैं। आप चाहें तो ब्रेड के साइड वाले जो ब्राउन पार्ट है उसे हटा सकती हैं, लेकिन मैं नहीं हटा रही हूँ, उसके साथ में ही बना रही हूँ। और इन सबको बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ लेती हूँ, सारे ब्रेड को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ली हूँ इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे इसमें तोड़ लिए हूँ। अब दूध की सहायता से थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हुए हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो चलिए डो तैयार कर लेती हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही दूध आप डालें इसमें, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया हुआ दूध है, ना ही बहुत गर्म है ना ही बहुत ठंडा है। डो बना कर तैयार कर ली हूँ। ये देखिए, भाई अपना बहुत सख्त है, ना ही गीला है। इस तरह का हमें डो बना कर तैयार कर लेना है, और इसे अच्छी तरह से मिला ली हूँ। और इतना डो बनाने में मुझे बस हाफ कटोरी दूध ही लगा है। इसे ढककर 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ, तब तक इसके स्टफिंग की तैयारी कर लेती हूँ। ब्रेड के रसगुल्ले में स्टफिंग करने के लिए थोड़े से मावा ली हूँ, इसे एक बड़े बर्तन में डाल दे रही हूँ। और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, जिसमें काजू और बादाम है। आप जो ड्राई फ्रूट्स पसंद करती हैं वो डाल सकती हैं। इसमें से थोड़ा सा ही इसमें डाली हूँ, बाकी ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखी हूँ। और 1 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे चीनी को घर में ही पीस कर उसका पाउडर तैयार कर ली हूँ, और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है, और डो को भी रेस्ट दिए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरह से एक छोटी इस तरह की छोटी छोटी लोई लेंगे, एक गोली बना लेंगे बॉल टाइप के, और इसके अंदर इस तरह का हल्का सा गड्ढा करते हुए हम इस तरह से बिल्कुल हल्का सा गड्ढा करेंगे। और इसके अंदर जो मावा की स्टफिंग तैयार करके रखी हूँ इसे डाल दूंगी, और बिल्कुल इस तरह से हल्के हाथों से इसे हमें बंद कर देना है इस तरह से। ये देखिए, और इसे इस तरह से गोल करते हुए बस हल्का सा चपटा कर देंगे इस तरह से, जैसे रसमलाई के हमारे रसगुल्ले रहते हैं। इस तरह से बनाकर सारे तैयार कर लेती हूँ। सारे रसगुल्ले में स्टफिंग भर के तैयार कर ली हूँ। ब्रेड का रसगुल्ला हमारा तैयार है, अब इसे डीप फ्राई कर लेती हूँ। चलिए, डीप फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे से गर्म कर ली हूँ, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दी हूँ। अब एक एक करके इस तरह से सारे रसगुल्ले को डीप फ्राई कर लूँगी। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम पर इसे नहीं डीप फ्राई करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं, इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे डीप फ्राई करना। तो चलिए सारे को डीप फ्राई कर लेती हूँ। रसगुल्ले हमारे डीप फ्राई हो गए हैं, हमें इसे इतना ही गोल्डन लाइट गोल्डन ब्राउन ही रखना है, इसे बहुत ज़्यादा हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ सारे रसगुल्ले को, और बाकी बचे हुए को भी डीप फ्राई कर लेती हूँ। सारे ब्रेड रसगुल्ले को लाइट गोल्डन ब्राउन डीप फ्राई करके निकाल ली हूँ। चलिए, अब रसगुल्ले तो हमारे तैयार हो गए हैं, लेकिन रसमलाई के ऊपर वाले रस की हमारी तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैं 1 लीटर दूध को बॉयल करके 1/2 लीटर कर ली हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें 1 लीटर दूध को, आप कोई भी फुल क्रीम दूध ले सकती हैं, उसे बॉयल करके बिल्कुल 1/2 लीटर कर लेना है 1 लीटर दूध को। ये लीजिए, इसे एक मिक्सी जार में डाल दे रही हूँ। अब इसमें 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आप जितना मीठा पसंद करती है उस हिसाब से। 4 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ, और सबसे ख़ास बात, 1 बड़ा चम्मच इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे हमारा जो ऊपर का रसमलाई का जो टेस्ट होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इसे भी इसमें डाल देती हूँ, और थोड़े से केसर को
दूध में भिगो करके ली थी, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहती तो ना डालें। तो इसमें से थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। तो चलिए अभी से मिक्सी में बिल्कुल स्मूथ कर लेती हूँ दूध को इस तरह से मिक्सर जार में, रुक रुक करके 1 से 2 सेकंड ही हमें चलाना है, इसे लगातार नहीं चलाना है। तो सारे दूध को तैयार कर ली हूँ और सारे ब्रेड के बॉल को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दी हूँ। अब इसके ऊपर जो दूध तैयार करके रखी थी उसे डाल दे रही हूँ इस तरह से, और जो थोड़े से केसर वाले दूध बचा करके रखी थी इसे भी डाल देती हूँ। इससे हमारा कलर और टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब थोड़े से जो मावा बचा करके रखी थी उसे भी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए इस तरह से डाल देती हूँ। अब इसे आप ठंडा कर लें फ्रिज में, 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रख दें। जब ये पूरी तरह से चिल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए, तभी आप इसे सर्व करें। तो सच मानिए दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और जब ये दूध के साथ पूरा फूल जाएगा और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि अंदर भी मावे की स्टफिंग है और ऊपर से भी दूध का ये है, तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस रेसिपी से ज़रूर एक बार ब्रेड स्टफ्ड रसमलाई बनाइए। तो सबको खाने मावा स्टफ्ड ब्रेड रसमलाई बनाइए तो सबको खाने में बहुत आनंद आएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका रसमलाई कैसा बना है। धन्यवाद।